Students, hope all you are fine, beta. Because also the weather changed also, and it's better weather. So, yes, teacher, next, please. Today, our topic is World Environment and its Problems, chapter number 10 on page number 82. Open your books also. Open your books. Page number 82. Page number 82. World Environment and its Problems. Next, teacher. Next, please. Yes, if you are seeing on your screens, beta, just see that Earth is the God's best gift to us. ये जो अर्थ है, ये दुनिया है, ये हमारे लिए खुदा की तरफ से एक बहुत बड़ा तोहफा है, बेस्ट गिफ्ट है. वी मेड इट वर्स, हमने इसको वर्स बना दिया है. लेट्स केयर फॉर इट, सेव द ग्रीन, इसकी केयर करें. और हमें ये चाहिए कि ये जो हमने हरियावल यहाँ से खत्म कर दी है, जैसे आपको पता है डिफॉरेस्टेशन इतनी हो रही है, आप ग्रीन को, आप दरख्तों को, पौधों को सेव करें एंड फाइट ग्लोबल वार्मिंग. और जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके साथ फाइट करें, यानी अपनी इस दुनिया को जो रब वाला की तरफ से हमें एक तोहफा मिली है, हम उसको वर्स ना बनाए, जिसको हमने वर्स बना दिया है. हम उसको इस जो हमारे माहौल है, हमारा दरख्त है, हमारे जो कि हमारी एनवायरनमेंट क्लीन करने में एक इम्पोर्टेंट रोल रखते हैं, हम उसपे सॉरी उसकी ग्रीनरी को सेव करें. और ग्लोबल वार्मिंग जो आपको पता है बहुत तेजी से पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उस पे हम उसके साथ फाइट करें. यस, नेक्स्ट टीचर. इसीलिए कहते हैं कि पौधे लगाएं, दरख्त लगाएं, आप प्लांटेशन करें आप. नेक्स्ट प्लीज. नेक्स्ट प्लीज. यस बेटा, ऑन योर स्क्रीन्स, द अर्थ प्रोवाइड्स फॉर अस अ प्लेस टू लिव, अ प्लेस टू सस्टेन आवर ह्यूमनली नीड्स. द अर्थ गिव्स अस फूड, शेल्टर, एयर एंड बेसिकली एवरीथिंग वी नीड टू सर्वाइव. इन ऑर्डर फॉर द अर्थ टू सर्वाइव, वी मस्ट कीप दीज थिंग्स अलाइव एंड वर्क विद इट टू बी अ पार्ट ऑफ इट, टू बी इन हार्मनी विद वेयर वी लिव, नॉट अगेंस्ट इट. ये अर्थ के रिसोर्सेज दिए गए हैं. कौन कौन से रिसोर्सेज हैं? एनिमल रिसोर्सेज हैं, ये हमारी अर्थ पे. आप सारे बच्चे जानते हैं कि जो एनिमल्स हैं वो एक बहुत बड़ा रिसोर्स है. इसको उसके बाद विंड एनर्जी, उसके बाद ऑयल रिसोर्सेज है हमारे पास इस अर्थ पे, उसके बाद सॉइल रिसोर्सेज है, कोल रिसोर्सेज है, हमारे पास फॉरेस्ट रिसोर्सेज है, वाटर रिसोर्सेज है, सोलर एनर्जी है. यानी ये हमारी दुनिया में ये हमारे रिसोर्सेज हैं, एनिमल रिसोर्सेज, विंड एनर्जी,
ऑयल रिसोर्सेज, सॉइल रिसोर्सेज, कोल रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज, सोलर एनर्जी, फॉरेस्ट रिसोर्सेज, ये हमारे पास रिसोर्सेज हैं। इनको ब्रूए कार लाते हुए, इनको हम ब्रूए कार लाते हुए हम अपने इस वर्ल्ड की एनवायरनमेंट को साफ रख सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, और जो भी उसके प्रॉब्लम्स आते हैं वो उनको हम फेस कर सकते हैं। यानी फर्ज करें, अगर हमारे पास सॉइल रिसोर्सेज हैं, हम अपनी सॉइल को ठीक कर सकते हैं। ऑयल रिसोर्सेज हैं, हमारे पास विंड एनर्जी है। ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम इनको काम में लेके आए हैं और किस तरह से एडवांसेस हुए हैं, किस तरह से तरक्की हुई है और किस तरीके से हम अपनी इस वर्ल्ड एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं और उसके कौन कौन से प्रॉब्लम्स हमें आ रहे हैं उसकी उसको वर्स बनने में। नेक्स्ट टीचर। यस, ऑन योर स्क्रीन्स बेटा, टेक्नोलॉजी इज द वाइटल रीजन फॉर द ह्यूज इंप्रूवमेंट इन हेल्थ इंडस्ट्रीज। टेक्नोलॉजी जो है उसका एक बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा उसका रीजन है जो कि ह्यूज इंप्रूवमेंट हुई है हेल्थ इंडस्ट्री में। आप इसकी ये आगे उन्होंने लिखा भी हुआ कि क्यों, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी दे हैव हेल्प्ड मेनी पीपल टू कीप अलाइव थ्रू लाइफ सपोर्ट मशीन्स एंड अदर स्पेशलाइज्ड हेल्थ इक्विपमेंट। यानी जो कि जिंदगी बचाने वाली जो मशीनें हैं और जो दूसरी जो स्पेशलाइज्ड जो हेल्थ के इक्विपमेंट्स हैं उनको अगर आप देखें, आप इर्द गिर्द अगर आप देखें कि लाहौर में इतनी टेक्नोलॉजी हो गई है, इतनी हेल्थ की मशीन्स आ गई हैं। जैसे एमआरआई इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल है। एमआरआई की मशीन जब शुरू में आई थी तो वो एक रूम जैसी थी और लोग डरते थे कि इसमें करवाना नहीं है, एमआरआई नहीं करवाना। लेकिन अब इतना एडवांस हो गया और इतनी टेक्नोलॉजी है कि अब ओपन एमआरआई है। जैसे एक्सरे की मशीन थी तो वो बहुत बड़ी थी और जब इम्पोर्ट की जाती थी उस पर बहुत ज्यादा पैसे लगते थे। जैसे जैसे तरक्की हुई, एडवांस हुआ तो और टेक्नोलॉजी बढ़ी वो एक्सरे की मशीन, और अब मतलब आप हेल्थ डिपार्टमेंट में देख लें कि उसमें कितनी इक्विपमेंट्स हैं जो कि बहुत ज्यादा लग्जरियस थी और अब उसमें तरक्की उसने की है हेल्थ डिपार्टमेंट ने, और सिर्फ टेक्नोलॉजी की वजह से। जैसे वहां पे रोबोट है, एक नई टेक्नोलॉजी आई है कराची में कि वो जो रोबोट है वो कैंसर को डायग्नोज करता है। और ये जैसे यहाँ पे शौकत खाना में है, वहां पे कराची में वो जिना हॉस्पिटल में वो रोबोट उन्होंने रखा है। वो गो महंगा है लेकिन टेक्नोलॉजी है और वो बगैर कट किए वो उसको हिट करता है कैंसर को और उसको वो ठीक करता है। यानी जैसे जैसे एडवांस हो रहा है दौर, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, वैसे वैसे इक्विपमेंट्स जो हेल्थ इक्विपमेंट्स हैं वो और ज्यादा मजीद बेहतर आ रही है। टेक्नोलॉजी ऑल्सो हेल्प्ड इन द इन्वेंशन ऑफ न्यू ट्रीटमेंट्स एंड मेडिसिन फॉर सर्टेन मेडिकल प्रॉब्लम्स। टेक्नोलॉजी हैज इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन एंड लर्निंग प्रोसेस, हेल्थ केयर एंड मेनी अदर इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस एरिया। ये जितने एरियाज बताए हैं, ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन, लर्निंग प्रोसेस, हेल्थ केयर, उसमें उसके जो बिजनेस एरियाज हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर। सो टुडे आवर चैप्टर इज वर्ल्ड एनवायरनमेंट एंड इट्स प्रॉब्लम्स, पेज नंबर 82, पेज नंबर 82, वर्ल्ड एनवायरनमेंट एंड इट्स प्रॉब्लम्स। इन अ रिलेटिवली शॉर्ट टाइम ऑन अर्थ,
mankind has made many advances, especially in the last 200 years. Relatively, nisbatan, jisko fairly aap kehte ho, ke nisbatan, kuch hi arse mein, kuch time mein, kam time mein, is duniya mein, jo insaniyat hai, jo log hai, jo human beings hai, has made many advances, unhone bahut zyada tarakki ki hai, especially jo last 200 years guzre hai. उसमें कौन कौन सी लास्ट 200 इयर्स में कौन कौन सी उन्होंने तरक्की की है, किस तरीके से एडवांस हुआ है. फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्थ, द एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ हैज इंक्रीज फ्रॉम अबाउट 30 इयर्स टू 60 और इवन 80 इयर्स. इन सम डेवलप्ड कंट्रीज टेरेबल इलनेस एंड इंजरीज आर बीइंग हील्ड. यानी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो इंक्रीज हुई है, जो जिंदगी की उम्मीद थी वो इंक्रीज हुई है. जैसे 30 इयर्स से ज्यादा मतलब हो के वो निस्बतन 60 और इवन 80 इयर्स तक. और कुछ जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं यानी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें ड्रेडफुल, टेरिबल को कहते हैं ड्रेडफुल, हॉरिबल जो इलनेस एंड इंजरीज हैं उनको हील किया जाता है, बीमारियों को और चोटों को हील कर देते हैं. मास डिजीज और मैस डिजीज, मैस को कहते हैं हीप को, बहुत लार्जली ग्रुप को. मैस डिजीजेस सच एज द प्लेग of the past and epidemics have been generally controlled. Mass का मैंने आपको बताया heap या group, उसको आप कहते हो. Plague, town की बीमारी, यानी diseases affecting many persons at the same time. ये epidemic होता है, outbreak. और ये जो मैंने बताया कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन को एक टाइम पे जो बीमारी लगे उसको एपिडेमिक कहते हैं, आउटब्रेक इसको कह सकते हो, वबा कह सकते हो इसको. जैसे ये हमारा कोरोना था ये, और उसको कोरोना को हम पेंडेमिक कहते हैं, एपिडेमिक नहीं है वो, पेंडेमिक है. तो ये वबा था, वो वबाई है. मैस डिजीजेस सच एज द प्लेग of the past and epidemics have been generally controlled. Yani jo huge ya heap matlab ya group of diseases thi, yani jaise town ki bimari plague jo past mein thi wo epidemic thi, yani waba thi, have been generally controlled aur usko generally humne control kiya. जो ताउन की बीमारी, अब उसको कुछ बीमारियां इस तरह की भी हैं जिनको हम अब बीमारियां नहीं समझते. यानी जैसे पहले ट्यूबरक्लोसिस थी जिसको टीबी कहते हैं, उसका इलाज ही नहीं था ट्यूबरक्लोसिस का. तो वो अब उस ट्यूबरक्लोसिस को आप डिजीज ही नहीं समझते, वो इसलिए कि उसका कोर्स है और जब उसको उसकी दवाई है, उसकी मेडिकेशन है, मेडिकेशन से ट्यूबरक्लोसिस को मुकम्मल तौर पे वो खत्म कर देते हैं. ऐसे ही मलेरिया, ये जितनी ये डिजीजेस थी और प्लेग और दूसरी जितनी भी इस तरह की पहले डिजीजेस थी उनको फेस करना बड़ा मुश्किल था. उससे कंफर्म था कि डेथ हो जानी है क्योंकि उनका इलाज नहीं था. सेम लाइक कोरोना, आज से 20 साल बाद या 30 साल बाद कोरोना कोई बीमारी नहीं होगी वो इसलिए, या 10 साल बाद कोरोना इसलिए बीमारी नहीं होगी कि उसकी वैक्सीनेशन होगी. और जिस चीज की मेडिसिन होगी वो कोई बीमारी नहीं होगी. इस वजह से हेल्थ के डिपार्टमेंट में इंतहा की तरक्की की, और लास्ट 200 इयर्स में स्पेशली लिविंग कंडीशंस, मैनी ऑफ द वर्ल्ड्स पीपल नाउ हैव एक्सेस टू वाटर सप्लाईज, sanitation, reasonable housing,
एंड पावर। दुनिया के जो ज्यादा लोग हैं, मैनी ऑफ द वर्ल्ड्स पीपल नाउ हैव एक्सेस टू वाटर सप्लाईज, उनके पास एक्सेस है वाटर की, पानी की एक्सेस है, पानी तक पहुंच है, सैनिटेशन, इसको क्लीनलेस कहते हो, सफाई, रीजनेबल हाउसिंग एंड पावर, और उनके पास ताकत है और उनके पास रीजनेबल एक हाउसिंग है, घर है उनके पास। द डिस्कवरीज ऑफ साइंटिस्ट एंड इन्वेंटर्स, इन्वेंटर्स कहते हैं ओरिजिनेटर को, मूजद को, किसी चीज का इजाद करने वाला। द डिस्कवरीज ऑफ साइंटिस्ट एंड इन्वेंटर्स मैस प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज हैव ब्रॉट अ रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स विद इन रीच ऑफ द कॉमन मैन। यानी सॉरी, इस दुनिया में बहुत सारे लोग, उनकी जो रसाई हुई वो पानी तक, सफाई तक, और जो अच्छे घर थे उन तक उनकी रसाई हुई, उनकी ताकत वहां तक पहुंची कि वो ये सारी चीजें ले सके, हासिल कर सके। और जो साइंटिस्ट, साइंसदानों की डिस्कवरीज थी या इन्वेंटर्स की, उनका एक बहुत बड़ा रोल जो है वो फैक्ट्रीज में देखा जाता है, जो कि वो डिफरेंट किस्म की चीजें, डिफरेंट किस्म की प्रोडक्ट्स, वो इनके थ्रू एक आम आदमी तक उनको पहुंच मिलती है। यानी फैक्ट्रीज में जो चीजें बनती हैं, इन्वेंटर्स की, साइंटिस्ट की, उनकी सोच है, उनकी इजाद है, वो बड़े पैमाने पे फैक्ट्रीज में बन के तो वो आप तक पहुंचती है। इसकी एक और बड़ी एग्जाम्पल जो कि फैक्ट्री से लेके तो एक कॉमन मैन तक पहुंचती है, वो एयर कंडीशन की एक एग्जाम्पल है, जो आजकल के दौर में आप तक, मतलब जो एयर कंडीशन जिसने बनाया उसको क्या क्या, मतलब वो किस तरीके से उसने बनाया, और उसको फिर फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्ट्रीज में बना, उसका मैस, मतलब यानी ह्यूज एक उन्होंने ग्रुप पे बनाया, और उसको लोगों तक, एक आम आदमी तक, कॉमन मैन तक पहुंचाना, ये जो है ये एक तरक्की है, ये एडवांस है। यानी ये भी पिछले 200 साल में जो तरक्की हुई है हेल्थ में, लिविंग कंडीशंस में, हम घरों में रहते हैं, ये गाड़ी है, ये बाइक्स हैं, ये जितनी आप एग्जांपल्स ले लें, ये रेफ्रिजरेटर्स हैं, ये मोबाइल फोन्स हैं, ये सबसे बड़ी मिसाल है, कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, तो इसी तरह से ये जितने एडवांसेस हैं, ये पिछले 200 साल में ये सारी की सारी आपको ये तरक्की मिली है, ये इसमें हेल्थ में और लिविंग कंडीशन में। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, पीपल कैन मूव अबाउट देयर कंट्री और द वर्ल्ड मोर कंफर्टेबली एंड क्विकली देन इन द पास्ट। जो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन है उसमें लोग जो हैं वो अब एक मुल्क से दूसरे मुल्क, एक शहर से दूसरे शहर, पूरी दुनिया में कंफर्टेबली आराम से, आरामदेह सफर वो करते हैं, और एक जगह से दूसरी जगह पे आराम से उनकी रसद है, और वो आराम से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, निस्बतन जो पास्ट में था। यानी पहले जो था वो इस तरीके से उनकी मूवमेंट नहीं थी। दे कैन स्पीक टू और इवन सी पीपल ऑन द अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड इन अ सेकेंड। अब कम्युनिकेशन का ये, जैसे सबसे बड़ी एग्जाम्पल आपके सामने फोन है, लैपटॉप्स हैं, आप एक दूसरे को देख सकते हैं, एक एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, बोल सकते हैं, स्पीकर मतलब जो है, और दुनिया में चाहे वो अमेरिका बैठा है, चाहे वो यूरोप में है, अफ्रीका में है, किसी भी कॉन्टिनेंट में, किसी भी जगह पे बैठे हैं, तो आप फोन पे उसको देख सकते हैं, उसकी आवाज सुन सकते हैं। ये जितनी
आप ये जितनी चीजें हैं, ये ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस में, ट्रांसपोर्ट जहाज सबसे बड़ी एग्जांपल है, उसका एरोप्लेन। आप एरोप्लेन जो है वो महीनों का सफर जो है, बल्कि सालों का सफर आप उसको कह सकते हो, या महीनों का सफर, वो चंद घंटों में वो होता है। ये इसकी सबसे बड़ी एक एग्जांपल है ट्रांसपोर्ट की। और जो कम्युनिकेशन है उसकी, मैंने आपको लैपटॉप, ये फोन्स, ये इसकी एग्जांपल्स है। नेक्स्ट टीचर, नेक्स्ट प्लीज। यस, हियर बेटा, इफ यू आर सीइंग ऑन योर स्क्रीन, हियर इज अ टॉपिक, व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग बेसिकली है क्या? वार्मर एटमॉस्फेयर एंड ओशंस, राइजिंग सी लेवल्स, चेंजिंग रेनफॉल पैटर्न्स, एक्सपेंशन ऑफ डेजर्ट्स इन द सब ट्रॉपिक्स, मोर फ्लडिंग इन कोस्टल एरियाज, मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप्स, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, मोर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, ओशन एसिडिफिकेशन, एक्सटिंक्शन ऑफ एनिमल एंड प्लांट स्पीशीज, फूड सिक्योरिटी ट्रीट फॉर ह्यूमंस, द ग्रेजुअल इंक्रीज इन द अर्थ टेम्परेचर कॉज्ड बाई हाई लेवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमोस्फेयर, मीन्स वट आर द कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। इट्स ऑल्सो, ये भी एक क्वेश्चन है कि ग्लोबल वार्मिंग किस तरह से होती है, कॉज किस तरह होती है। तो एक सिंपल आप अपने जेन में ये बात रखिएगा, आपने यू हैव रेड इन क्लास 7, एंड यस आई नो दैट अ क्वेश्चन, अ लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग वॉज इन क्लास 7, एंड यू हैव डन, बट द कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज लार्जली कार्बन डाइऑक्साइड, सिंपल, एमिटेड फ्रॉम एनी कंबशन प्रोसेस एज इन फैक्ट्रीज, विच फॉर्म्स अ ब्लैंकेट अराउंड द अर्थ एंड प्रिवेंट्स हीट फ्रॉम लीकिंग अवे। नाइट्रोजन एंड सल्फर डाइऑक्साइड एमिटेड इन लार्ज क्वांटिटीज बाय एग्जॉस्ट फ्यूम्स फ्रॉम मोटर व्हीकल्स एंड द बर्निंग ऑफ ऑल फॉसिल फ्यूल्स कंबाइन विद वॉटर इन द एटमोस्फेयर टू फॉर्म एन एसिड विच डिजॉल्व रॉक्स एंड एच मेटल्स एज वेल एज कॉजिंग सीवियर प्रॉब्लम्स व्हेन इट इज क्वाइट अनअवॉइडेबली ब्रेथ्ड इन। ये एक सिंपल सा आपको मैंने बताया कि ग्लोबल वार्मिंग है क्या। सो कॉन्फ्लिक्ट क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, और कॉन्फ्लिक्ट्स क्या हैं हमारे? व्हाट आर द कॉन्फ्लिक्ट्स? देयर आर स्टिल वॉर्स, डिस्प्यूट, कॉन्फ्लिक्ट तनाजे को कहते हैं, आप इसको डिस्प्यूट को कहते हैं, कि क्या क्या हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, क्या हमारे जेन में उसके बारे में तनाजा है। देयर आर स्टिल वॉर्स, अभी तक जो है वो वॉर्स हो रही हैं, जंग हो रही है, बट दे आर ऑन अ मच स्मॉलर स्केल देन इन द पास्ट। और जिस तरह से माजी में, जिस तरह वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुई, वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुई, जो वो हमने जंगे देखी हैं, उन जैसी ये जंगे नहीं है, उनसे छोटे स्केल पे, छोटे पैमाने पे है। एज लेट एज द 20th सेंचुरी, वर्ल्ड वॉर 1 killed more than 15 million people and World War Second over 4 times that number. अगर हम 20वीं सदी में देखें तो जो वर्ल्ड वॉर 1 थी उसमें 15 मिलियन पीपल जो थे वो उनकी डेथ हुई, उनको मारा गया, और जो वर्ल्ड वॉर 2 थी वो उससे, यानी आप 60 मिलियन लगा ले, 4 times that number, ओवर 4 times that number, वो 4 दफा उससे मतलब ज्यादा नंबरिंग थी। वर्ल्ड वॉर 1 में 15 मिलियन, एंड यू कैन से
के वर्ल्ड वॉर सेकेंड में 60 मिलियन पीपल जो थे वो मारे गए, यानी बहुत बड़ी एक तादाद है। एनीवेज टुडे बेटा